गाइस, वेलकम बैक टू लीनास किचन। मैं हूँ लीना और आज मैं अपने किचन में लेके चलती हूँ। आज मैं बनाऊंगी दही वड़ा, वो भी रुई जैसी सॉफ्ट। उसके लिए देखिए, मैंने धुली हुई उड़द की दाल लिया है 1 कप और आधी कप मूंग का दाल है। दोनों दालों को हम अच्छी तरह से धो करके 5 से 6 घंटे भिगो देंगे। चाहे तो आप अलग अलग भी भिगो सकते हैं। और देखिए, 5 से 6 घंटे तक मैंने छोड़ दिया था, अब ये रेडी हो गया है। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। उसके पहले 2 बार और अच्छी तरह से हम धो लेंगे, उसके बाद फिर इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। और देखिए, मेरा बैटर तैयार हो गया है। और अगर आप दोनों दालों को अलग अलग भी पीस सकते हैं, मैंने एक साथ पीस लिया है। तो चलिए, अब इसमें मैं मिलाऊंगी आधी चम्मच हींग। और फिर इसे आप चाहे तो हाथ से फेंट ले तो ज़्यादा फ्लफी होगा। मैंने हाथों को अच्छी तरह से धो लिया है। और जब भी आप बैटर तैयार करें तो इसका डायरेक्शन एक ही तरफ से होना चाहिए। चाहे आप कढ़ी बनाते हो, चाहे इसका बैटर तैयार करना हो, तो आप एक ही डायरेक्शन में इसे फेंटे तो ये काफ़ी फ्लफी बनता है। और देखिए, इसे तब तक फेंटना है जब तक कि बिल्कुल फ्लफी ना हो जाए, हल्का ना हो जाए इसका बैटर। और इसे चेक करने के लिए देखिए, मैंने पानी रखा। मैं दिखाऊंगी कि कैसे चेक किया जाता है कि हमारा दही वड़ा बनने के लिए तैयार है कि नहीं। और इसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक भी ऐड किया था। और देखिए, थोड़ा सा बैटर से ये काफ़ी बैटर मेरा तैयार हो गया है, क्योंकि ये फेंटने से ये दुगना हो जाता है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका दही वड़ा जो है काफ़ी रुई जैसा सॉफ्ट बनेगा। देखिए, अगर ये ऊपर आ जाएगा इस तरह से, देखिए ये तलने के लिए तैयार है। और चाहे तो इस बैटर में आप और भी, अगर आपको पसंद हो, थोड़ा सा कटे हुए अदरक ये सब भी डाल सकते हैं। और देखिए, इसे अच्छी तरह से पहले हाथों को आप पानी से भिंगा लें। देखिए, मैंने तो हाथों को पानी से भिंगा लिया है और बीच में एकदम एक होल करते हुए इसे गरम तेल में डालेंगे। और बहुत ज़्यादा हीट पे नहीं इसे बनाना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इस तरह से आप दही भल्ला को छान लें। देखिए, धीमी आंच पर इसे तलना है, बिल्कुल मीडियम आंच होनी चाहिए। और देखिए, काफ़ी ये फूल गया है। और दही भल्ला तो दही वड़ा, भल्ला भी कह ले, वड़ा भी कह ले, तो सभी लोग बनाते हैं। लेकिन बहुत लोग बनाते हैं तो एकदम फ्लफी नहीं होता है, हल्का नहीं होता है, रुई जैसा सॉफ्ट। तो बनाने का तरीका भी होना चाहिए। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका भी दही वड़ा काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। और मेरी रेसिपी लीनास किचन में विजिट कीजिए। मैंने सिर्फ उड़द दाल का भी दही वड़ा बनाया हुआ है। मैंने ये रेसिपी पिछले नेक्स्ट होली में मैंने शेयर किया था, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। देखिए, ये तैयार हो गया है। इसी तरह से सारे दही वड़ों को हम तल करके निकाल लेंगे। और जब भी आप इसे डालें तो हाथ को थोड़ा सा भिगो लें तो ये हाथ में चिपकेंगे नहीं। इसका बैटर जितना हल्का होगा तो उतना ही ये फूल करके साइज इसका दुगना हो जाएगा। इस तरह से हम सारे दही भल्लों को, और देखिए मेरे दही भल्ले छन गए। और मैंने देखिए थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी किया हुआ है, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और हींग डाला है। और ये सारे छने हुए दही भल्लों को इसमें डाल देना है 5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। और थोड़ा सा मैंने देखिए दही लिया है, थोड़ा सा मैं दही को मिक्सी में चला लूँगी और थोड़ा सा मैं 1 चम्मच इसमें चीनी ऐड करूँगी। उसके बाद इसे हाथ से दबा करके सारे दही वड़ा को इसमें डाल देंगे। ऊपर से आप गाढ़ी दही भी मिला सकते हैं। देखिए, इस तरह से हाथ से दबा करके सारे दही भल्लों को निकाल लेंगे। और मैं दिखाती हूँ, देखिए ये काफ़ी फ्लफी बना है, देखिए अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट। देखिए, सारे दही में डाल देना है, ऊपर से मैं
गाढ़ा दही मिलाऊंगी इसमें। और मैंने इमली की चटनी भी शेयर की थी, आज मैं इसमें डाल करके दिखाऊंगी। इसलिए मैंने दही बड़े के लिए इमली की चटनी बनाई थी, जो आपके साथ मैंने रेसिपी शेयर की है, तो आप लोग ज़रूर विज़िट कर लेना। और दही वड़ा में डालने के लिए देखिए, ये मैंने जीरा और सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च है, मैं इसे रोस्ट करके इसका पाउडर तैयार करूँगी। दही बड़े को सर्विंग बाउल में निकालें और इस पर जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, काला नमक और जो मैंने इमली की चटनी बनाई थी वो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है वो डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें हरी चटनी भी आप डाल सकते हैं अपने स्वाद के अकॉर्डिंग। और लीजिए, ये सॉफ्ट रुई जैसी सॉफ्ट दही वड़ा बन करके तैयार है। अगर ये रेसिपी अच्छा लगे, स्पेशल फॉर होली के लिए मैंने ये रेसिपी शेयर की है, तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।